गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने साइंस वन का सेकंड लेसन स्टार्ट किया था। उसमें ट्रायड, डॉबरेनर ट्रायड हमने कंप्लीट किया। सेकंड पोर्शन था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो लेट अस स्टार्ट दैट। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये जो लॉ है, न्यूलैंड्स नाम का एक साइंटिस्ट ने स्टेट किया हुआ लॉ है। और ये वो साइंटिस्ट न्यूलैंड्स ने 1866 में क्रिएट किया या बनाया ये लॉ। ओके, पहले ये जो वर्ड है ऑक्टेव, लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव इज इन म्यूजिक, एक्चुअली ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। यू मस्ट हैव लर्न्ड बिफोर सारे ग म प ध नी सा, दीस आर द हिंदुस्तानी notes of या scales of music, and this is western do re mi fa sol la ti do. If we learn Hindustani, this we learn. If we learn western music, then we learn this sur, octave sur, saptak. Octaves means saptak, sapt sur. Okay, ye jo Newlands hai unka pura full naam hai John Newlands. एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। इंग्लिश साइंटिस्ट मीन्स इंग्लैंड के, ब्रिटेन, ब्रिटिश पर्सन है, इंग्लिश साइंटिस्ट है। इनके ज़माने में इन्होंने जब ये ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स बनाया, ये टाइम पे यानी 1866 के टाइम, टोटली 56 एलिमेंट्स थे। 56 एलिमेंट्स। हम लोगों ने पहले देखा जो डॉबरेनर है, उनके ज़माने में बहुत ही कम एलिमेंट्स होने के बावजूद उन्होंने पूरे एलिमेंट्स को अपने टेबल में, अपने ट्रायड पे फिट नहीं कर पाया था। और काफ़ी और साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश ज़रूर किए होंगे, कोई खाली तो नहीं बैठे होंगे, पर इसी बीच में ज़्यादा कोई ऐसा सक्सेसफुल कोई हुआ नहीं। और नेक्स्ट आया जो थोड़ा सक्सेस था, जो वो न्यूलैंड्स थे। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स के बारे में, उन्होंने कैसा अपने टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेट अस सी। फर्स्ट पॉइंट रिटन हियर, अरेंज्ड 56 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। न्यूलैंड्स के टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट्स फाइंड आउट किए थे, डिस्कवर किए थे इन्होंने अपने पूरे 56 एलिमेंट्स को, यानी वो ज़माने में जो फाइंड आउट किया हुआ, पूरे के पूरे 56 एलिमेंट्स को अपने टेबल पे डाल पाए। और नेक्स्ट पॉइंट देखो उसमें, अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमिक मासेस। इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, एटमिक मासेस। अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमिक मासेस। आई हैव एक्सप्लेन यू वॉट इज एटमिक मास एंड एटमिक नंबर ऑल्सो। तो जिस तरह ट्रायड बनाया डॉबरेनर ने, उसी तरह ये जो न्यूलैंड्स है, उन्होंने भी एटमिक मास के ऊपर ही, एटमिक मास के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया। स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विद थोरियम। स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सबसे हल्का लाइट हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन उनके टेबल में फर्स्ट प्लेस लिया, एंड एंडेड अप विद थोरियम। और 56 एलिमेंट था थोरियम, थोरियम से एंड अप किया। एवरी 8th एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ये जो न्यूलैंड्स जब चेक किया, तो हर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी उन्होंने सीख के स्टडी करते गए, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 7 एलिमेंट्स उन्होंने जिस तरह ऑर्डर में अरेंज किया, वो 7 एलिमेंट के बाद 8वां जब आते हैं, 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का जैसा सेम प्रॉपर्टीज दिखाने लगे। यानी 7 हो गया 8वां वापस से पहले जैसा, फिर 7 हो गया 8वां पहले जैसा, फिर 7 हो गया 8वां पहले जैसा। इस तरह उन्होंने 7-7 का ग्रुप और 8th वाला नीचे, फर्स्ट के नीचे ऐसा अरेंज किया। ओके, ही कंपेयर्ड दिस सिमिलैरिटी विद द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक। उन्होंने देखा तो ऐसे ही 7 नोट्स होने के बाद, सारे ग म प ध नी 7 नोट्स होने के बाद 8th नोट वापस से सा फर्स्ट नोट आता है। तो इन्होंने इस पूरे प्रॉपर्टी को म्यूजिक के अंदर का ऑक्टेव्स के साथ कंपेयर किया। अभी देखो जो उन्होंने बनाया हुआ टेबल, थोड़ा थोड़ा कुछ इस तरह था वो।
ऊपर तो सुर लिखे हैं, सा रे गा मा पा धा नी, डो रे मी फा सो ला टी, ये जो सुर है हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से और कर्नाटिक म्यूजिक के हिसाब से। अब देखते हैं फर्स्ट वाला कौन सा एलिमेंट को लगाया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह उन्होंने पूरे एलिमेंट्स को अरेंज किया। यहाँ पे न्यूलैंड्स का पूरे के पूरे टेबल नहीं बनाया हुआ है, थोड़ा सा ही है। इनका सबका नाम मैं ध्यान से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, सोडियम, नेट्रियम है उसका दूसरा नाम, नेट्रियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, फेरम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, कुप्रम, कॉपर, कॉपर दूसरा नाम उसका कॉपर, जिंक, और यह हुआ इट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमिन, रुबीडियम, स्ट्रोंटियम, सीसियम, लैंथेनम एंड जर्कोनियम। इन्होंने इस तरह जो अरेंज किया तो हाइड्रोजन से लेकर यहाँ तक सात एलिमेंट हो गया, और आठवां जब आया फ्लोरिन तो इसके जैसा प्रॉपर्टी आ रहा है, और उसके बाद ऐसे अरेंज किया वापस से सात हो गया इधर ये लाइन में, जब नेक्स्ट आठवां आया तो इनका सबका थोड़ा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी सेम आने लगा। तो इस तरह उन्होंने एक पीरियोडिसिटी के हिसाब से, यानी एक इक्वल इंटरवल के बाद, इक्वल इक्वल इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है या सेम सिमिलर हो रहा है, यानी सेम इंटरवल में कुछ अगर इंसिडेंट होते हैं, कोई प्रॉपर्टी रिपीट होते हैं, तो उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, पीरियोडिक। इसी तरह पहली बार न्यूलैंड्स का ये जो टेबल के वजह से पीरियोडिक टेबल ऐसा एक नाम, ऐसा एक कंसेप्ट इस फील्ड में आया। अब हम देखते हैं न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड ने क्या लॉ, क्या सिद्धांत, क्या आइडियोलॉजी इसके पीछे लगाया है, उन्होंने क्या कहा, क्या लॉ स्टेट किया है। When elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, जब एलिमेंट को अरेंज किया जाएगा किस हिसाब से, उनके एटमिक मास का बढ़ता हुआ ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया जाएगा, तो द एट्थ एलिमेंट रिसेम्बल्स द फर्स्ट, आठवा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ रिसेम्बल होता है, यानी सिमिलैरिटी दिखाते हैं, एक जैसा लगता है इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो सिमिलैरिटी किस मामले में है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में, किस तरह जस्ट लाइक द एट्थ नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल रिसेम्बल्स द फर्स्ट नोट, जिस तरह आठवां नोट है जो सारेगमा पादानी सा, आठवां नोट जो है वापस से जो पहले वाले नोट की जैसा रिपीट जो होता है, रिसेम्बल जो होता है, इसी तरह। ओके, सो दिस स्टेटमेंट यू हैव टू स्टडी, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द एट्थ एलिमेंट रिसेम्बल्स द फर्स्ट इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक द एट्थ नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल रिसेम्बल्स द फर्स्ट नोट। ओके, अब इनका जो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसका मेरिट्स क्या है, यानी इसके अचीवमेंट्स क्या है, इसमें प्लस पॉइंट क्या था कंपेयर टू डोबरेनर। ओके, जैसे जैसे और ज़माना आगे आगे जाते जाएंगे, और नए नए साइंटिस्ट लोग और नए नए डिस्कवरीज लाएंगे, तो सिस्टम और इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं साइंस इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिव, साइंस हमेशा इम्प्रूव होते रहता है। तो ये जो न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेव बनाया था, इसका मेरिट्स क्या देखते हैं। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज द फर्स्ट लॉजिकल अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटमिक मासेस, एटमिक मास के बेस पे, एटमिक मास के मास पर डिपेंड करके पहली बार कुछ लॉजिकल स्टडी करके कोई क्लासिफिकेशन किया है, तो वो कौन किया है, न्यूलैंड्स ने। अरेंज्ड ऑल द नॉन एलिमेंट्स, दूसरी बात ये है कि जो डोबरेनर ने कर पाया
वो न्यूलैंड्स ने किया, क्योंकि डोबरेनर के ज़माने में जितने भी एलिमेंट्स थे वो उन्होंने पूरा वो अपने टेबल में अरेंज किया ही नहीं, पर न्यूलैंड्स ने अपने टेबल में पूरे एलिमेंट्स को अरेंज किया. सो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट. नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स वॉज रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार ये जो पीरियोडिसिटी, आई टोल्ड यू पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक रिपीटेशन, तो ये पहली बार कंसेप्ट किसने लाया है? न्यूलैंड्स ने. ओके okay? अब हमने प्लस पॉइंट देखे, तो चलो अभी डीमेरिट्स यानी नेगेटिविटी, नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्या माइनस पॉइंट्स है, क्या डिफेक्ट है, क्या फॉल्ट है, क्या लिमिटेशंस है न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव में. एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. भले ही न्यूलैंड्स ने सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने टेबल में डाल तो दिया, फिट तो कर लिया, लेकिन कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल रहा, यानी जो लॉ है कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा. उसके बाद कैसा भी करके उन्होंने बस फिट कर दिया, उतना ही, यानी पूरे एप्लीकेबल नहीं हो पाया. न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इन टू द ऑक्टेव स्ट्रक्चर. और उसके बाद न्यूलैंड्स के ज़माने के बाद, न्यूलैंड्स के बाद भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स और डिस्कवर हुआ है, क्योंकि नेचर में जितना भी ये साइंटिस्ट लोग खोजते रहते हो तो नया नया एलिमेंट्स तो मिलते रहेंगे. तो बाकी एलिमेंट्स जो नया नया डिस्कवर हो गया, न्यूली डिस्कवर्ड, वो एलिमेंट्स को न्यूलैंड के ऑक्टेव स्ट्रक्चर में फिट करने का कोई प्लेस ही नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हुआ. वो दूसरा एक डीमेरिट हुआ. अभी थर्ड पॉइंट क्या है डीमेरिट में? द फीचर ऑफ रिसेम्बलेंस ऑफ द एट्थ एलिमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुल फॉर हेवी एलिमेंट्स. जो बड़े बड़े वजनदार एलिमेंट्स है, यानी जिसका मास कुछ ज़्यादा है, वैसे एलिमेंट्स को इसके अंदर अरेंज करने पे, जो उन्होंने बोला हुआ आठवां एलिमेंट में, जो एट्थ एलिमेंट में जो रिसेम्बलेंस आएगा फर्स्ट का, वो प्रॉपर्टी नहीं रह पाया, यानी बाकी बड़े बड़े जो एलिमेंट्स है ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे. तो ये तीसरा प्रॉब्लम हुआ, कमी हुआ. अब उसके बाद क्या है आगे देखो. और टू एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सम बॉक्सेस टू एकोमोडेट ऑल द नॉन एलिमेंट्स. आपने टेबल देखे होंगे, वो टेबल अगर देखें तो उसके अंदर हमको दिखाई देते हैं कोबाल्ट और निकल, दो एलिमेंट एक ही कॉलम के अंदर डाल दिए हुए. दूसरा सिलीनियम और लैंथनम, वो दोनों सीसीएम, सॉरी सिलेनियम ने सीसीएम और लैंथनम, उन दोनों को भी एक ही एक ग्रुप में, एक ही एक कॉलम में डाल दिया हुआ है. आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो कोबाल्ट निकल, CONI, CeLa, देखो एट अ टाइम दो एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में डाले हुए हैं. अरे भाई, जब पीरियोडिक टेबल बनाया है तो हर एलिमेंट को अलग अलग अपना अपना खुद का कॉलम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो दो दो डाल दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस देखे होंगे या क्या किया उन्होंने, कैसा भी करके अपना ये जो बॉक्सेस के अंदर उनको भरना था. ओके तो दिस वॉज अनदर मिस्टेक. अब लास्ट और एक देखो, ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव. यानी ऑक्टेव के सेम नोट में, यानी उन्होंने जितने भी ऑक्टेव्स बनाए और उसमें सेम सिमिलर जो प्रॉपर्टी है उन्होंने क्या कर दिया है, एक ही देखो, एक ही. अभी डो, डो एक सुर है, इस सुर के पूरे नीचे हाइड्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमिन, ये सब का प्रॉपर्टी सेम टू सेम नहीं है, सिमिलैरिटी इतना भी नहीं है जितना उन्होंने कहा. हाइड्रोजन एक गैस है, ओके ये देखो ये दोनों मेटल्स है, तो इनका सबका, ये हैलोजन में आता है, ऐसा सब बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज, एक ही डिससिमिलैरिटी वाले एलिमेंट्स को एक ही एक सुर के नीचे उन्होंने फिट किया. अगर इसको एग्जाम्पल के साथ बोलेंगे तो कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट और निकल जो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, और उसे डाल दिया हैलोजन के साथ. हैलोजन बोले तो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, वो आप आगे पढ़ेंगे, हैलोजन नाम का एक ग्रुप है, उनके साथ डाल दिया, वो सही नहीं किया उन्होंने. और जो आयरन है Fe, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विथ कोबाल्ट एंड निकल, आप जानते हैं मैग्नेटिक है आयरन, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, कोबाल्ट और निकल, वो भी ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, तो ऐसा है तो आयरन भी तो इसी ग्रुप में होना चाहिए था ना, जो कोबाल्ट और निकल होना हो जो ग्रुप में है उसी में आयरन भी होना चाहिए. पर आयरन को किधर डाल दिया है? नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल विथ, नॉन मेटल नहीं है, विथ नॉन
मेटल के साथ, नॉन मेटल जैसा ऑक्सीजन सल्फर उनके साथ आयन को डाल दिए, ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक उन्होंने किया।